और अब बात करेंगे कोरोना को लेकर के, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या कुछ चीज़ें निकल करके आई। वरिष्ठ संवाददाता वैष्णव विशाल त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैष्णव जी, अब अगर हम आज की तारीख की भी बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या कुछ संदेशा देने की कोशिश की, चाहे वो संक्रमण को लेकर हो, बढ़ते मामलों को लेकर के हो, और चाहे वो इंतजामों को लेकर हो। वैष्णव जी जी आलोक, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की यही चिंता है, जितने भी प्रवासी मजदूर और कामगार हैं वो सुरक्षा पूर्वक सम्मानजनक ढंग से अपने घर में पहुंच जाए, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आज भी मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं और सभी अफसरों को ड्यूटी पर लगा रखा है। उनका साथ में ये भी कहना है, क्योंकि अनलॉक हो चुका है तो सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, मास्क लगा कर रहें, एक दूसरे से बहुत जल्दी घूमने टहलने के लिए कहीं बाहर पहाड़ों पे ना निकल जाएं, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार संदेश दे रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को ये संदेश दे रखा है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं, जो भी अपने घर लौट रहे हैं, कोई भी भूखा न सोए, किसी भी तरह से कोई ऐसा दिन उनका न गुजरे कि उनको भूखा सोना पड़े। उनको जितना भी राशन मिल सकता है, प्रदेश सरकार की तरफ से हर महीने करोड़ों लोगों को राशन बांटा जा रहा है, और हर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक प्रभारी रेलवे स्टेशन अफसर जो कि आईएएस लेवल का है उसको बना दिया है, ताकि वो इस बात को तस्दीक करे कि जो भी प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात है कि जो कम्युनिटी के बने हुए हैं उनके लिए भी उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया हुआ है कि सभी अधिकारी कम्युनिटी दौरा करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी को फ्रेश भोजन मिले और किसी को कोई बासी खाना या संक्रमित खाना कहीं से भी ना प्राप्त हो। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं आलोक, कि टेस्टिंग लैब्स का टेंडर भी सरकार ने निकाल दिया है और मेडिकल कॉलेजेस को और मजबूत करने की दिशा में भी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में जबकि हमारे पास जब कोविड शुरू हुआ था तो 10,000 बेड भी नहीं थे, आज हमारे पास 1,01,236 बेड की व्यवस्था है। आलोक बिल्कुल, अगर वैष्णव जी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कि राशन कार्ड जिनके पास नहीं है, जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, उनको फौरी तौर पर राहत पहुंचाने की कोशिश की गई और ये बात भी कहा कि उनको फौरी तौर पर 1,000 रुपये दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं हर वर्ग को साथ लेकर के, खास करके जो प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास अभी धन नहीं है, जो बहुत दिनों से अपना रोजगार नहीं चला पा रहे, उनको कहीं ना कहीं राहत पहुँचाने की सरकार की ये पूरी भरपूर कोशिश है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आलोक कि सरकार का ये कहना है अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं भी है तो भी उसको भोजन दिया जाए और उसका राशन कार्ड नया बनाया जाए और जितने भी मजदूर हैं सबको 1,000 रुपया उनके खाते में डाला जाए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 28,000 एनसीसी कैडेट को मेडिकल विभाग ट्रेन कर रहा है, जो कि आशा कार्यकर्त्रियों के साथ जुड़कर काम करें और गांव-गांव देहात-देहात दौड़कर इस बात को सुनिश्चित करें कि लोगों को जागरूक करें कि वो मास्क पहने, वो सैनिटाइजर लगाएं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आलोक चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो वैष्णव विशाल त्रिपाठी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर के और सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें जारी हैं।